अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस्तकबाल है आपका नज़र इंडिया न्यूज़ में। और ये तस्वीरें हमारे एक सहयोगी आकिब खान ने हमें जलगांव से भेजी है। महाराष्ट्र के जलगांव में जो कर्फ्यू लगा हुआ है, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में कर्फ्यू लगा हुआ है, और ये महाराष्ट्र के जलगांव के कर्फ्यू की तस्वीरें हैं। देखा जा रहा है कि लॉकडाउन हुआ, जनता कर्फ्यू लगाया गया, फिर लॉकडाउन का ऐलान किया गया, लेकिन जनता, भारत की जनता, यानी कि कई लोग ऐसे हैं जो इस कर्फ्यू को हल्के में ले रहे हैं, वो सरकार की अपील की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। पुलिस बार बार घूम फिर कर अपील कर रही है, महानगर पालिका के लोग जगह जगह घूम कर अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि ये वायरस इंतहाई खतरनाक है, आप लोग इससे बच कर रहिए। लेकिन देखा गया कि मुंबई में और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में इस जो कर्फ्यू और बंद को एकदम हल्के में लिया गया और पालन नहीं किया गया सरकार के आदेश का। तो अब पुलिस ने सख्ती करने का फैसला किया है। पुलिस ने, अब प्रशासन ने ये फैसला कर लिया है कि इससे बेहतर कि इस बीमारी से मरने वाले लोगों की लाशें उठाई जाए, उससे बेहतर है कि क्यों ना प्रशासन को अब डंडा उठा लेना चाहिए, थोड़े सख्त कदम उठाने चाहिए। इस कार्रवाई के खिलाफ लोगों में आक्रोश तो पाया गया, लेकिन ये आपकी भलाई के लिए ही है। और आप ज़रूरत के अलावा, इंतहाई ज़रूरत के अलावा आप घर से बाहर ना निकलें, ऐसा प्रशासन का कहना है। कुछ देर के लिए ढील दी जाती है, उसमें आप अपना ज़रूरी सामान ले लीजिए। और इसके अलावा जो कार्रवाई आप देख रहे हैं, जो पुलिस ने कार्रवाई की, उसमें लोगों को, पुलिस ने डंडे का भी इस्तेमाल किया है, कई जगह सजा के तौर पर उठक बैठक कराई गई है। और इन तस्वीरों में एक शेरा चौक या टावर चौक, एक ऐसा इलाका है जहां पर आप देख रहे हैं कि एक बुज़ुर्ग को भी शायद उठाया गया है, वहां से ऐसी भी खबर आ रही है कि बुज़ुर्ग को भी गिरफ्तार किया गया है, उस लड़कों को भी हिरासत में लिया गया है। लेकिन जिस तरह से आपको भीड़ जमा करने के लिए मना किया जा रहा है, तो रिक्वेस्ट है कि आप भीड़ ना जमा करें, बल्कि आप अपने घरों में रहें, आराम करें, अपने परिवार के साथ रहें। एक मौका दिया है आपको, मौका दिया है अपने आपको कि अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो सरकार ने आपसे अपील की है, एक बार उस अपील की तरफ ध्यान दीजिए। इस वक्त कोई सियासत नहीं है, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस कोई बीजेपी या कांग्रेस देख कर नहीं आएगा, हिंदू या मुसलमान देख कर नहीं आएगा। ये कोरोना वायरस हमला करेगा आप पर, आपकी सेहत पर। जान है तो जहान है, आपका परिवार आपके साथ है, ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, महाराष्ट्र की जनता से नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जनता से हमारी अपील है कि जो सरकार कदम उठा रही है आपके लिए, आप कोशिश करें कि उसका पालन करें, ताकि आप और आपकी सेहत सलामत रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।